हेलो दोस्तों, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं LCM HCF। क्या लेके आए? LCM HCF। सबसे पहले दोस्तों ये देखेंगे कि LCM होता क्या है और HCF होता क्या है। क्या LCM और HCF होता क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों किसकी? HCF की। किसकी बात करता हूँ? HCF की। क्या लिखा हुआ है HCF का फुल फॉर्म देखा जाए तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट बड़ा से बड़ा, कॉमन जो दोनों में कॉमन होगा। यानी कि आपके पास कॉमन की बात की है तो यहाँ पे दो और दो से अधिक नंबर की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी दोस्तों? दो और दो से अधिक नंबर की बात की जाएगी। मैं बोलता हूँ मेरे पास है 25 और एक है 35। क्या है मेरे पास? एक तो है 25 और एक है मेरे पास 35। सबसे पहले इनके क्या करूंगा मैं? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि दोनों में इसको लिख सकता हूँ मैं 5 × 5 और इसको लिख सकता हूँ 5 × 7। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? ये तो इनके अलग अलग तो क्या हो गए दोस्तों? फैक्टर हो गए कि अलग अलग इनके गुणनखंड कर दिए। लेकिन यदि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन मिल रही है, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन मिल रही है, जैसे इन दोनों में क्या मिला कॉमन आपको? 5 5। तो यही क्या है आपका? कॉमन फैक्टर है। यही क्या है दोस्तों? कॉमन फैक्टर है कि जो दोनों में कॉमन मिल रहा है। हाईएस्ट और वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा से बड़ा यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसकी डेफिनेशन यदि बोला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरी बार विभाजित करे। जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरी बार विभाजित करे वही आपका क्या कहलाता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा है दोस्तों आपके पास LCM। क्या है LCM? क्या होता है LCM? क्या LCM होता क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। क्या है दोस्तों? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। क्या है दोस्तों? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता क्या है? लिस्ट मतलब क्या होगा दोस्तों? छोटा से छोटा, कॉमन जो कॉमन होगा दोनों में, मल्टीप्लायर कॉमन गुणा हो रहा होगा। जैसे मैं बात करता हूं आपसे दोस्तों 5 और, या फिर बात करता हूं मैं किसकी? 4 और 6 की। किसकी बात करता हूँ? 4 और 6 की। मेरे पास दो, आपके पास क्या है? दो संख्याएं हैं और इनका क्या ज्ञात करना है आपको? LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 और इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 × 6। क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 और 2 × 6। जैसे इसमें बात करता हूँ दोस्तों क्या मिलता है मेरे को? 2 की घात ज्यादा से ज्यादा क्या मिलती है मेरे को? 2 की घात ज्यादा से ज्यादा कितनी मिलती है? 2। मीन्स मैं क्या लिख लूंगा कि LCM बराबर 2 × 2, जो दोनों में क्या हो? ज्यादा बार आ रहा हो, ज्यादा मल्टीप्लायर हो। क्या हो? मल्टीप्लायर। और यहाँ पे 2 इसमें आ गए, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। कितना लिखोगे दोस्तों आप? 3 लिखोगे इंटू में। कितना लिखोगे? 3। और ये क्या हो गया आपके पास? 2 × 2 = 4, 4 × 3 4 × 3 = 12। यानी कि आपके पास 12 ऐसी संख्या है जो दोनों का ही क्या है? फैक्टर है। जो दो आपके पास दी गई संख्याएं हैं उनको, उनसे विभाजित होती है कौन सी? आपका LCM। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी बार, या फिर दी गई संख्याओं से पूरी बार विभाजित होती है। इन जो आपके पास दी गई दोनों संख्याएं हैं इनसे पूरी बार विभाजित होना चाहिए, वही क्या होता है आपका? लिस्ट कॉमन फैक्टर। वही क्या होता है दोस्तों? लिस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी बार विभाजित होती है वही क्या कहलाता है आपका? LCM। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि यदि कोई भी आपको संख्या दे दी जाए, क्या कोई भी संख्या दे दी जाए, मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कितना है? 84 है और एक है 105। क्या है? 184 है और 105 है। सबसे अच्छा तरीका है आपके पास LCM और HCF ज्ञात करने का। देखो दोनों में किसका भाग ज्यादा है? दोनों में ही
किसका भाग जा रहा है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि छोटे से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या है तो दो का तो भाग नहीं जाएगा। किसका दूंगा दोस्तों मैं, तीन का भाग दूंगा। तीन का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, तीन दूनी छः, कितने बचेंगे दो, और तीन दूनी छः कितने बचेंगे दो, और आपके पास आठ तीय चौबीस, यहाँ पे तीन तीय नौ और एक बचा पांच तीय पंद्रह। अब देखो दोस्तों इसमें तो ना तो दो का जा रहा ना तीन का जा रहा, किसका दूंगा मैं, पांच का दूंगा, पांच का भी नहीं जा रहा, दोनों में जा रहा है सात का। किसका जा रहा है दोस्तों, सात का भाग जा रहा है अट्ठाईस में और पैंतीस दोनों में। कितना कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये चार और ये जाएगा आपके पास पांच। अब आपके पास जो दोनों संख्या मिली वो ऐसी संख्या है जो सअभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, सअभाज्य संख्या, यानी कि दोनों में आपस में कोई चीज कॉमन नहीं मिलने वाली है, दोनों में ही कोई चीज कॉमन नहीं मिलने वाली है। अब आपके पास HCF की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, HCF की। तो ऐसा फैक्टर देखेंगे जो दोनों में कॉमन था, ऐसा फैक्टर देखेंगे जो दोनों में ही कॉमन था, यानी कि तीन का दोनों में विभाजित हो रहा था और सात का इन दोनों में भी विभाजित हो रहा था। तीन इंटू सात कितना हो गया दोस्तों आपका 21, कितना हो गया 21। और आप LCM की बात करते हो, यदि इसकी बात करते हो LCM की, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन इंटू सात इंटू चार इंटू पांच, जो आपके पास बची हुई है सअभाज्य संख्या उनको भी साथ में लिख देते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों, सात या 21 और पांचों 20, 20 दूनी कितना होता है आपके पास 42, कितना हो गया आपके पास 420। 420 ऐसी संख्या है जो दोनों दी गई संख्याओं से पूरी बार विभाजित होती है। कितनी बार, पूरी बार विभाजित होती है, ऐसी कौन सी संख्या है आपके पास, वह है 420। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो एक संख्या लेके देखते हैं अपन, क्या एक संख्या लेता हूं मैं, छोटे छोटे नंबर्स लेता हूं, वहां से अपन एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। मैंने कोई भी आपके पास एक नंबर लिया 6 और 8, कौन लिया दोस्तों 6 और 8, यदि मैं इसका क्या निकालता हूं, क्या निकालता हूं आपके पास 6 और ये आपके पास है 8, दो का भाग दिया दोनों में, इन दोनों का LCM और HCF दोनों ही ज्ञात करता हूं मैं। दो का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तीन बार हो गया, चार बार, फिर दो का भाग गया दो बार, ये तीन और ये दो, ठीक है दोस्तों, ये आपके पास अभाज्य संख्या है, आपको मिल चुकी है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या मिला, केवल क्या ऐसा क्या मिला आपको कॉमन, चाहो तो इसको भी आप रहने दो और यहाँ तक ही आपका काम हो जाएगा। यानी कि आप HCF कितना लिखोगे दोस्तों, HCF कितना मिला केवल आपको दो, दोनों में ही केवल दो ही ऐसी संख्या है, दो ही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, अर्थात मेरा जो HCF है वो केवल दो ही है। मैं किसकी बात करता हूं, LCM की, LCM की बात करूंगा, कितना लिखूंगा दोस्तों, 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4 यानी क्या हो गया आपके पास, 3 × 2 = 6, 6 × 4 कितना हो गया 24, यानी कि आपके पास दोस्तों LCM कितना मिलेगा 24। अब दोस्तों यहां पे मैं आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूं, क्या मैं लिखता हूं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है उनके HCF और इंटू LCM के, किसके बराबर होती है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह HCF व LCM के बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों। और इस फॉर्मूले से दोस्तों हर बार रेलवे में क्वेश्चंस आता है, ट्रिपल स्टार प्रॉपर्टी है ये HCF और LCM के, कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके HCF व LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे आपके पास संख्या थी 6 और 8, एक संख्या 8 थी एक संख्या 6 थी, आपका LCM कितना आया था, इन दोनों का गुणनफल करोगे दोस्तों 8×6 = 48, क्या हो जाएगा 48। और दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप इनका HCF था 2 और LCM था 24, तो इन दोनों का भी आप गुणनफल करते हो तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ से प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वह उनके HCF व LCM के बराबर होता है।
दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनता है वह बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चंस बनता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चंस बनता है। आपको हमेशा ही ऐसा नहीं दिया जाता है, दोनों संख्याएं नहीं दी जाती है, उनका अनुपात दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दोनों संख्याओं का अनुपात दिया जाता है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्तों आपके पास? मैं लिखता हूं कि कोई भी दो संख्याओं का अनुपात है आपके पास क्या? ए अनुपात बी। क्या है दोस्तों? ए अनुपात बी में कोई दो संख्याएं हैं और उनका जो एलसीएम है वह एल है, और जो उसका एचसीएफ है वह आपका एच है। एलसीएम एल है, एचसीएफ एफ है, आपके पास दो संख्याएं थी, वह क्या थी दोस्तों? ए अनुपात बी में। अब यदि कोई भी अनुपात दिया हो और उसको मैं एचसीएफ से गुणा कर देता हूं तो वो मेरी संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? संख्या बन जाती है। मीन्स दोस्तों यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरी पहली संख्या है वो क्या हो जाएगी? एच इंटू ए। क्या हो जाएगी? एच इंटू ए, क्योंकि किसी भी अनुपात को मैं उसके एचसीएफ से गुणा कर देता हूं तो मेरे को संख्या मिल जाती है, और जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी आपकी एच इंटू बी, और आपके पास एच क्या है? एचसीएफ, और एल क्या है? एचसीएफ। एच से एच कट जाता है दोस्तों, आपके पास क्या बच जाएगा कि एल बराबर क्या हो जाता है? ए क्रॉस बी इंटू एच। पहली प्रॉपर्टी यहां से क्या आ गई कि यदि आपके पास दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो क्या कहोगे आप कि दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणन इंटू एचसीएफ। और यदि दोस्तों यहां से आपको क्या ज्ञात करना हो? एचसीएफ ज्ञात करना हो, एलसीएम दिया गया हो, तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। यहां से आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है दोस्तों। दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपके पास दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी दिया है और उनका एलसीएम एल है और एचसीएफ एच है, तो जो उसका यदि आपके पास एक एचसीएफ दिया है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणन इंटू एचसीएफ, और जो एचसीएफ होगा उसको बराबर क्या लिखोगे? एलसीएम बटे दोनों संख्याओं का गुणन। आगे दोस्तों इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्या करते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं? आपको केवल मैंने 3 से 4 चीजें सिखाई है। सबसे पहले कि जो आपका फैक्टर मेथड होता है उससे आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद में कहा कि आपके पास यदि दो संख्याएं हैं तो जो उनका गुणनफल होता है वह उनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, और यदि उनका अनुपात दिया हो दोस्तों तो वो क्या हो जाता है? यदि आपको अनुपात दिया हो तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी दोनों का अनुपात इंटू एचसीएफ, और यदि एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एलसीएम अपॉन ए क्रॉस बी। पहला ही क्वेश्चन मेरा वही है दोस्तों कि यदि आपके पास दो संख्याओं का लसा, यानी कि आपको पास एलसीएम कितना दिया है दोस्तों? दो संख्याओं का लसा दिया है 60। कितना दिया है दो संख्याओं का लसा? 60 दिया है, और मसा दिया है 5। एच कितना दिया है दोस्तों? 5 दिया है। पहली संख्या है दोस्तों आपके पास 30, और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। आपने अभी क्या कहा था कि सर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी कि मैं क्या बोल दूंगा कि मेरी पहली संख्या 30 थी, दूसरी संख्या में क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उसके एलसीएम व एचसीएफ का गुणन के बराबर होता है। 30 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? ये 2 बार, और x बराबर कितना लिख दोगे आप? 5 × 2 = 10। कितना लिख दोगे? 5 × 2 = 10। ये दोस्तों आपके एनटीपीसी का ही क्वेश्चंस है, और देखो कौन सा ऑप्शन मिला आपको, ऑप्शन नंबर B। देखो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है।
एक संख्या दी है दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हो, दोनों संख्या दी है एलसीएम दिया है तो एचसीएफ आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों। आज के वीडियो में पूरा जो डिस्कस करेंगे वो केवल इन्हीं चीज पे डिस्कस करेंगे कि एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकालना है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है तो संख्याएं निकालनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, क्या दोस्तों दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो है आपके पास 21 और संख्याओं का जो अनुपात है ए अनुपात बी वो दिया है दोस्तों आपको 1:4। कितना दिया है? 1:4। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अभी आपसे कहा था यदि किसी भी संख्याओं के अनुपात को उसके एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो आपको वो संख्या मिल जाती है। मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? छोटी संख्या तो क्या होगी आपकी 1:21 और आपके पास जो बड़ी संख्या होगी 4:21 मीन्स क्या हो जाएगी आपके पास है तो 84 और ये हो जाएगी आपके पास 21। ये भी दोस्तों आपके एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। और देखो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा मिला आपको? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 84 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपका मैंने फैक्टर पे क्वेश्चन ले आया कि आपके पास जो फैक्टराइज मेथड है उससे क्या फाइंड करना है आपको? एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? एचसीएफ ज्ञात करना है। आज के पूरे लेक्चर में दोस्तों आपके पुराने आए हुए क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। देखो क्या है आपके पास? 42, 63, 140। ये भी दोस्तों गुड्स गार्ड में आपके आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया है आपके पास कि इनका एचसीएफ क्या होगा। क्या पूछा गया है दोस्तों? एचसीएफ पूछा है। सबसे पहले क्या देखते हो आप कि इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपके पास कितना मिल गया? 63 मीन्स 3 का भी भाग जा रहा है इसमें। किसका भाग जा रहा है दोस्तों? 3 का भी भाग जा रहा है। 3 का भाग जाएगा तो कितना लिखोगे आप? कितनी बार जाएगा दोस्तों इसमें? 14 दिए 42। और 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा दोस्तों? 21 बार। और इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 का भाग जाएगा क्या इसमें? नहीं जा रहा है। 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जा रहा है। 140 में 3 का भाग नहीं जाता है। 140 में 3 का भाग नहीं जाता है तो किसका भाग दूंगा मैं दोस्तों? 5 का दूंगा। 5 का इसमें नहीं जाएगा। किसका दूंगा डायरेक्ट? 7 का दूंगा। देखो दोस्तों 7×42, 9×7 63 और 7×2 14 कितना मिल गया। अब दोस्तों आपके पास जो संख्याएं मिली हैं इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें किसी भी संख्या का कॉमन फैक्टर मिल रहा हो। कोई आपके पास एक अभाज्य संख्या ऐसी हो जिससे तीनों का गुणन हो रहा हो, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। मीन्स आपके पास जो एचसीएफ मिलेगा दोस्तों, चाहो तो इसको एक बार और आगे लिख सकते हो आपकी, यदि इसके पास किसका 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। इसका 3 बार और इसका आपके पास 20 बार। इसमें भाग नहीं जाएगा, उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। यानी कि आपके पास तीनों क्या एक में आपके एक संख्या का भाग नहीं जा रहा। मीन्स आपके पास जो एचसीएफ होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों का फैक्टर है? वो केवल 7 ही है। इसके अलावा कोई भी नहीं है जो इन दी गई सभी संख्याओं को पूरी बार विभाजित कर सके। मीन्स इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि आप लोग एलसीएम एचसीएफ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ये ना भूलें अपने दोस्तों को भी सिखाएं। देखो अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि ए अनुपात बी दिया है आपको 5:6। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है यदि उनका मस 4 है। क्या है दोस्तों मस? यानी कि आपके पास मस बोलते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ कितना है दोस्तों? 4 है। मस कितना है इसका? 4 है। आपसे पूछा गया है लस क्या होगा। आपको अभी बताया जस्ट कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसको आप एचसीएफ से गुणा कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एलसीएम। क्या मिल जाता है दोस्तों? एलसीएम मिल जाता है। मीन्स क्या हो जाएगा? 5×6×4 5×20 और
तीन दो छह दोनी बारह यानी कितना हो गया आपके पास 120। कितना हो गया दोस्तों 120। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फटाफट आंसर टिक कर दो दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप किसी भी एलसीएम दो संख्याओं का अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है तो तीनों का गुणन कर दो फटाफट। क्या कर देंगे, तीनों का गुणन कर देंगे तुरंत। आगे जो क्वेश्चंस दिया गया है वह भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस है। क्या है क्वेश्चंस, कि दो संख्याओं का तीन अनुपात चार दिया है, कितना दिया है तीन अनुपात चार दिया है, और उनका जो लसह है, उनका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना दिया है आपको 84 दिया है। आपको HCF नहीं दिया और बड़ी संख्या पूछा है आपसे, तो देखो दोस्तों क्या करोगे आप, सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। HCF क्या हो जाएगा आपके पास, अभी बताया था LCM में A क्रॉस B कर दो, HCF कितना है आपके पास 84, आपके पास अनुपात कितने थे 3 × 4, कितने दोस्तों 3 × 4, 4 से कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, ये 21 बार, और ये कट गया 7 बार, कितनी बार कट गया, यानी कि आपके पास जो HCF है वो कितना आ गया 7 आ गया। अब आपको ज्ञात करना था संख्याएं, तो आपके पास जो पहली संख्या है वो तो क्या हो जाएगी 3 × 7, और दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 4 × 7। पहली संख्या तो होगी आपकी 21, दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों आपकी 28। कौन सी होगी 28। आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्या पूछा गया दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 21 से 28 28 बड़ी संख्या होगी, जिसका अनुपात बड़ा होता है वही संख्या आपके बड़ी होती है। आगे यदि बात करते हैं दोस्तों, तो वापस अनुपात का ही क्वेश्चन है, वापस अनुपात का ही क्वेश्चन है, और आपके रेलवे में है ना सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पसंद है अनुपात रेलवे को। देखो क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का तीन अनुपात है, कितना दो संख्याओं का तीन अनुपात है, वह है 3:5, और उनका एलसीएम दिया हुआ है कितना दिया है 225 दिया है, और आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, मींस पहले जैसा ही क्वेश्चन है, केवल वहां पे बड़ी पूछा था, यहाँ पे छोटी पूछा गया है, सेम चीज करेंगे दोस्तों। पहले क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, HCF कितना हो जाएगा L/A×B क्या हो जाएगा 225 × 3×5, ये 15 का वर्ग है, यहाँ पे नीचे 15 हो रहा है, कितनी बार कट जाएगा 15 बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा दोस्तों 15 बार, यानी कि आपको पास जो HCF मिला, HCF कितना है 15 HCF है, कितना है दोस्तों HCF 15 HCF है आपके पास। पहली संख्या क्या हो जाएगी, छोटी छोटी संख्या पूछा है ना, ये लो छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी जिसका अनुपात छोटा है, किसका छोटा अनुपात क्या है आपके पास 3, आपके पास जो HCF है वो HCF कितना है दोस्तों 15 है, 15 × 45, 15 × 45, यानी कि आपके पास जो आंसर मिलेगा ए ऑप्शन आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों 45 मिलेगा, कितना मिलेगा 45 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी अच्छा क्वेश्चंस है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि आपको कोई भी तीन संख्याएं दी गई है, क्या क्या दिया है 3.00, दूसरा है आपके पास 1.20, और तीसरा है आपके पास 0.06। इसका दोस्तों आपको HCF व LCM दोनों ही बताने हैं, क्या क्या बताना है LCM और HCF दोनों ही बताने हैं आपको, HCF व LCM दोनों ही फाइंड करना है। देखो दोस्तों सबसे पहले जो भी आपके पास पॉइंटों में संख्या है उस पॉइंटों को हटा देते हैं, उस पॉइंटों को हटाने के लिए मैं सभी को गुणा कर देता हूं, किससे 100 से, किससे गुणा करना है मेरे को 100 से गुणा कर देता हूं, जैसे ही 100 से गुणा करूंगा सभी को ही किससे गुणा करना है 100 से गुणा कर देंगे, और फिर यदि जहां भी HCF और LCM की बात की जाएगी 100 का भाग दे देंगे, गुणा करने पर कितना मिल जाएगा दोस्तों आपके पास 300, यह मिल जाएगा 120, ये मिल जाएगा 6। और वापस सबसे अच्छा तरीका है फैक्टराइज वाली मेथड, किसका LCM और HCF ज्ञात करने का, HCF का एक और तरीका है लेकिन LCM का सबसे अच्छा तरीका है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों सभी में देखो यहाँ पे 6 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है सबसे पहले अभाज्य संख्या का, दो का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 150 बार, ये कितना हो जाएगा आपके पास 60, 3 हो जाएगा,
फिर तीन का भाग जाएगा दोस्तों इसमें कितने बार जाएगा आपके पास से 50 बार और ये कितनी बार जाएगा 20 बार और ये एक बार यही मिलेगा। अब उसके बाद देखते हैं अपन दोनों का 10 में जा रहा है ये लो 10 का दे दो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 5 और 2। अब मैं क्या लिखता हूं जो HCF होता है सभी में कॉमन पार्ट क्या है 2 और 3 कितना है दोस्तों 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। और आपके पास LCM के लिए क्या करते हो आप LCM के लिए किसके लिए दोस्तों अब HCF आपका कितना है दोस्तों इसका 6 आया आपके जो दी गई संख्याएं थी आपने गुणा किया था 100 से तो यहां पे आपको 100 का भाग देना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा 100 का भाग देना पड़ेगा और आपके पास जो संख्या है वो कितने आ जाएगी 0.06 कितने आ जाएगी 0.06। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी यही मिलेगा दोस्तों आपको अब बात करते हैं किसकी नेक्स्ट में नेक्स्ट है आपका एलसीएम की एलसीएम की यदि बात करते हैं दोस्तों देखो आपके पास अभाज्य गुणनखंड कितने मिले 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2 यही मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 10 5 इंटू 2 यही मिला दोस्तों। यदि यहाँ पे आप देखते हो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा दोस्तों ये 600 कितना हो जाएगा 600। लेकिन आपने क्या क्या किया था पहले पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुणा किया था तो 100 का भाग देना पड़ेगा और जब 600 में 100 का भाग दोगे तो कितना मिलेगा आपको 6 कितना मिलेगा दोस्तों 6 यानी कि आपके पास एलसीएम तो कितना आया एलसीएम आया आपका 6 और एचसीएफ आया आपका 0.06 0.06। देखो दोस्तों सबसे पहले जब भी पॉइंटों वाले क्वेश्चन आए सबसे पहले ऐसी संख्या से गुणा कर दो आपके पास एक अंक छोड़ के दशमलव है तो 10 से गुणा कर दो दो अंकों में दशमलव लग रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे यदि तीन में लग रहा है तो 1000 से गुणा कर देंगे और अपन बेसिक मेथड से आपका उनका एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करके जिससे आपने गुणा किया है उसका ही क्या कर दोगे आप भाग लगा दोगे तो आपको एलसीएम व एचसीएफ दोनों ही मिल जाएंगे क्या दोनों ही मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपके पास उसकी बात करते हैं क्वेश्चन है आपके पास 1. ये भी आपके पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 108 क्या है दोस्तों 108.36 और 0.09 इसका ज्ञात करना है आपको HCF क्या ज्ञात करना है केवल दोस्तों आपको HCF। देखो दोस्तों यहाँ पे भी आपके पास क्या है दो अंक छोड़ के दशमलव है मीन्स इसको भी मैं क्या कर देता हूँ 100 से गुणा कर देता हूँ किससे गुणा कर देता हूँ 100 से गुणा कर देता हूँ ये क्या मिल जाएगा मेरे को 108 ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 90 कितना हो जाएगा दोस्तों 90। जैसे इसका मैं कॉमन फैक्टर निकालूंगा फैक्टर मेथड से कितनी बार भाग जा रहा है दोस्तों यहाँ पे मैं इसका भाग देता हूँ किसका 2 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 18 दून 36 और ये हो जाएगा आपके पास 45 दोस्तों दोनों में आपके पास भाग जा रहा है किसका 3 का 3 का मैं भी भाग देता हूँ कितनी बार जाएगा 1 कितना बच गया यहाँ पे आपके पास 2 यानी कि 8 3 24 18 में भाग जाएगा कितनी बार 6 बार और 45 में भाग जाएगा कितनी बार 15 बार दोस्तों फिर 3 का भाग जा रहा है इसमें क्या फिर 3 का भाग जा रहा है कितनी बार जाएगा आपके पास 6 बार ये 2 बार और ये 5 बार। अब किसी का भी कॉमन भाग नहीं जाएगा किसी का भी कॉमन भाग नहीं जाएगा तो यहाँ से दोस्तों यदि आप HCF लिखोगे तो क्या लिखोगे HCF क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको फैक्टर एक तो मिला 2 एक मिला 3 और एक मिला फिर से 3 यानी क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और आपने 100 का गुणा भी किया था तो आपको भाग भी देना है दे दो भाग ये लो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास ये 18/100 यानी कि आपके पास क्या आएगा 0.18 कौन सा ऑप्शन है ये आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों कितना इजी था बस आपको क्या करना है जैसे पॉइंट देखते हैं ना घबरा जाते नहीं घबराना है गुणा कर देंगे 100 से किससे गुणा कर देंगे 100 से कौन सा ऑप्शन मिल गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कौन सा ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर सी।
ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस कल लेके आएंगे आपके लिए दोस्तों, और जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एक बार पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखना और उसके बाद में प्रैक्टिस लगाना, कोई सी बुक के क्वेश्चंस लगाना दोस्तों, आपसे पूरे क्वेश्चंस होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप सीखे हो, लाइक जरूर करें, लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।